दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इंडिया के बिग बुल, इंडिया के वॉरेन बफेट कहलाए जाने वाले श्री राकेश झुनझुनवाला जी, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने केवल एक स्टॉक टाइटन से कितना पैसा कमाया था? तो उन्होंने 11,000 करोड़ रुपए केवल एक स्टॉक से कमाए थे टाइटन से, जिसमें उनका 5.1% स्टेक था। तो दोस्तों, हमारे मन में भी आता है कि काश हमें भी ऐसे स्टॉक्स के बारे में मालूम होता जिस पे ये बड़े इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगा रहे हैं और उस पे भी हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कुछ पैसा लगा के बेनिफिट उठा सकते थे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे हम सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स, बड़े जो इंडिया के बिग इन्वेस्टर्स हैं, उनके पोर्टफोलियो को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उन्होंने कौन कौन से स्टॉक्स खरीदे हैं। क्वार्टर वाइज हम देख सकते हैं कि उन्होंने उसमें कितना पैसा बढ़ाया, लगाया, अपना स्टेक घटाया, और उसके बेसिस पे हम अपना डिसीजन ले सकते हैं कि क्या हमें भी उन स्टॉक्स में, भले ही हमें स्टॉक्स की नॉलेज नहीं हो, भले ही आपको बिल्कुल भी स्टॉक्स की नॉलेज नहीं हो, लेकिन उनको फॉलो करके भी आप पैसा कमा सकते हैं उन स्टॉक्स में पैसा लगा के, और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियो आप तक रेगुलरली पहुंच सके और कुछ आप सीख सके, कुछ हम सीख सके। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें गूगल पे वेबसाइट डालनी है, trendline.com। तो trendline.com एक वेबसाइट है जो हमें इस इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो की इनसाइट देता है और बताता है कि क्वार्टरली उन्होंने किन स्टॉक्स में पैसा लगाया और कितना परसेंट स्टेक उन्होंने डिक्लेयर किया है पब्लिक। तो इसको हम खोलते हैं और खोलने के बाद हम इसको अपने लॉग इन कर सकते हैं, अपना गूगल से लॉग इन बना सकते हैं और लॉग सेटअप कर सकते हैं। अब करना क्या है, आपको जाना है ऊपर ये सुपर स्टार्स में। तो सुपर स्टार्स में जाके आप क्लिक करेंगे, अब देखेंगे आप यहाँ पे आपको सर्च बार मिलेगा, तो इसमें आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं। ये तो आप अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारे जो बिग इन्वेस्टर्स हैं उनके नाम यहाँ आने लगेंगे, जैसे राकेश दमानी जी हो गए, प्रेम जी हो गए, राकेश झुनझुनवाला से रेखा जी, आकाश बंसाली, मुकेश अग्रवाल, जितने भी दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं, आशीष कचोरिया जी, जिनको बहुत लोग फॉलो करते हैं, उन सबके नाम मिलेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं राकेश दमानी जी। तो हम राकेश दमानी जी के नाम पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि उनकी, तो बात करें राधा कृष्ण दमानी जी के पोर्टफोलियो के बारे में, तो उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है, 2,11,411 करोड़ की उनका पोर्टफोलियो वैल्यू है, और कितने स्टॉक्स वो होल्ड करते हैं, 12 स्टॉक। तो अब उनके नाम पे क्लिक करते हैं, जब उनके नाम पे क्लिक करेंगे तो उनकी जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो हमें नजर आएगी कि किन किन स्टॉक्स में राकेश दमानी जी ने अपना होल्डिंग रखी है। तो इसको हम क्या करेंगे, होल्डिंग वैल्यू से फिल्टर कर लेंगे ताकि हाईएस्ट होल्डिंग वैल्यू ऊपर आ जाए। तो सबसे ज्यादा उनकी जो होल्डिंग है वो है एवेन्यू सुपरमार्केट, तो डी मार्ट हम सब जानते हैं जिसके वो फाउंडर हैं। तो सबसे ज्यादा होल्डिंग, 67% होल्डिंग उस कंपनी में दमानी जी की है, तो जिसकी वजह से उनकी जो मेजर वैल्यू उसी से आती है, 2,05,000 करोड़। उसके बाद जो सेकेंड स्टॉक आता है जो उनके पास है वो है वीएसटी इंडस्ट्रीज। तो वीएसटी इंडस्ट्रीज में देखें, दिसंबर 2023 में उनकी होल्डिंग थी 30.7%, जो कि अब मार्च में 32.7% की होल्डिंग हो गई है। इसका मतलब 2% का उन्होंने स्टेक इंक्रीज किया है वीएसटी इंडस्ट्रीज। अब आप में से कितने लोगों ने वीएसटी इंडस्ट्रीज में पैसा लगाया हुआ या उसका नाम भी सुना हुआ है? आइए देखते हैं वीएसटी इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, वीएसटी इंडस्ट्रीज करती क्या है, वीएसटी इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ सिगरेट्स, टबैको और टबैको प्रोडक्ट्स में काम करती है। तो आईटीसी का कॉम्पिटिटर है, और क्योंकि टबैको इंडस्ट्री में है तो बहुत ही अच्छी पोजिशन, देखिए थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक प्लेयर है इंडिया में। इनकी जो फेमस ब्रांड्स हैं वो चाम्स हो गया, मोमेंट्स हो गए, ये सब इनके प्रोडक्ट्स हो गए जिनके शायद आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। अब कंपनी की वैल्यूएशन देख लेते हैं, तो देखिए 21 के मल्टीपल पे अवेलेबल है, तो बहुत ही सस्ता नहीं है, लेकिन एवरेज टुवर्ड्स लोअर साइड ही इसका वैल्यूएशन है कंपनी का। आरओसी कंपनी का देखिए 38%, आरओई 29%, डेट फ्री कंपनी, पैग रेशियो 1.71 हर, और जो डिविडेंड यील्ड है वो 3.83। तो हर एस्पेक्ट से ये कंपनी कितनी अच्छी परफॉर्म कर रही है। अब इसके सेल्स में देखते हैं, हमें नजर आएगा कि ग्रोथ कैसी है। तो अगर इसकी सेल्स देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप सेल्स देखेंगे तो लास्ट लास्ट ईयर 346 करोड़ का था दिसंबर में, 302 करोड़ की सेल्स हुई, 333, 350, 363, कॉन्स्टेंटली ही सेल्स ग्रोथ हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, ऑलमोस्ट 30%, 23%, 20% का ऑपरेटिंग मार्जिन मेंटेन कर रहे हैं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट इनके अच्छे मेंटेन चल रहे हैं। और अगर एनुअल सेल्स देखेंगे तो देखिए 1,000 करोड़ था 2019 में, फिर 1,200 करोड़,
फिर यहाँ पे स्लो डाउन हुआ, यहाँ पे कांस्टेंट रहा, फिर से रिगेन किया 1200 करोड़ और अब 1300 करोड़ की थी। तो एक अच्छी कांस्टेंट ग्रोथ के साथ में तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी नजर आ रही है, जिसकी वजह से आप देखिए कि जो एस इन्वेस्टर्स धमानी जी को इसमें कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, उसमें 2% की हिस्सेदारी बढ़ाई। अब इसके टेक्निकल देख लेते हैं। देखिए कंपनी ने अपना एक लाइफ टाइम हाई बनाया था मई 2012 में, उसके बाद फिर नया हाई बनाया जुलाई 17 में, और फिर लाइफ टाइम हाई बनाया जैन 20 में, और अब देखिए स्टॉक फिर से जो इसका जुलाई 17 का जो हाई बनाया था 3700 का, उसके पास से रिबाउंड अच्छा किया है। वहीं से देखिए इसने पिछले वीक में एक बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ में कैंडल बनाई है, और अपने जो रेजिस्टेंस थे देखिए ये रेजिस्टेंस थे अक्टूबर 21 से, इसको ब्रेक किया है। अब ये स्टॉक एक अपसाइड में एक, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं, ऑलमोस्ट पिछले 6-7 साल से स्टॉक कंसोलिडेशन में रहा है एक हाई बनाने के बाद, और अब एक लोअर प्राइस से ब्रेकआउट देने को तैयार है। तो होप अब यहाँ से एक स्टॉक अच्छा ग्रोथ दिखाए। इसी मारे दमानी जी ने इसमें 2% स्टेक बढ़ाया है, क्योंकि अच्छे वैल्यूएशन पे उनको अवेलेबल हुआ होगा ये स्टॉक नीचे में। देखिए आप देखें वॉल्यूम्स कहाँ बढ़े, यहाँ पे तो ये 3400 के प्राइस पे ये परचेज पक्का हुई होगी, यहाँ पे इतनी ज्यादा वॉल्यूम्स ग्रोथ आए, और यहीं से मार्केट ने इसको पिकअप किया और वहीं से ब्रेकआउट देने की तैयारी में। तो होप आपको समझ आएगा कि कैसे हम इजीली किसी भी बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो के अंदर जाके देख सकते हैं कि किस स्टॉक में उसने पैसा लगाया हुआ है, और उस पैसे और उस स्टॉक के बारे में हम एनालाइज कर सकते हैं कि क्यों उस स्टॉक में पैसा लगाया और क्या ये फ्रूटफुल हो सकता है हमारे लिए भी। देखिए सिंपल तरीके से हमने देखा कि क्यों वीएसटी इंडस्ट्रीज में दमानी जी ने अपना स्टॉक स्टेक बढ़ाया, और ऐसी कंपनियां जो जिनका आपने शायद नाम भी ना सुना होगा वो आपको देखने को मिलेंगी बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में। तो देखिए और भी अगर क्विकली देखते हैं वीएसटी के अलावा कौन कौन सी कंपनियों में धमानी जी का पैसा है, तो आंध्रा पेपर में का है, ट्रेंड में है, 3M इंडस्ट्रीज में, अडवानी होटल्स, एपटेक लिमिटेड, बीएफ यूटिलिटीज, ब्लू डार्ट, यूनाइटेड ब्रूअरीज, सुंदरम फाइनेंस, इंडिया सीमेंट, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, एस्ट्रा माइक्रोवेव। तो देखिए ये स्टॉक्स हैं जिनमें इनकी स्टेक है, और इसके बेसिस पे आप इन स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे। हम भी करेंगे अगर जहाँ पे हमें एक अच्छा स्टॉक मिलेगा, और उसके बेसिस पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो कर सकते हैं इनके साथ। होप आपको नॉलेज अच्छी लगी होगी, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुँच सकें और आप भी कुछ सीख सकें इन व्यू। थैंक यू।